हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं प्रकाश चक्रवर्ती स्काई फिट दूध से तो आप सभी के लिए आज का मेरा रूटीन लेग वर्कआउट मैं लेके आ चुका हूँ, क्योंकि आपके जैसे मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है परफॉर्म करना, बट क्या करें यार, नेचुरल रिजल्ट अगर हमको इम्प्रूव करना है अपने बॉडी में तो यार इस वर्कआउट को मिस कभी नहीं करना चाहिए। यही आप लोगों से मेरी गुजारिश है। और हाँ, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए प्लीज इस वर्कआउट को परफॉर्म करिएगा और बाकी यार रिजल्ट 100% आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। देखिए अब यार नेचुरली मेरे भी तो रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, उतने ना सही बट मेरे भी लेग्स ग्रो होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यार आप सबके भी लेग्स ग्रो हो जाएंगे अगर आप इस तरीके की ट्रेनिंग को ऐड करेंगे। और जितने भी नए भाई देख रहे हैं, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आप लोगों तक भी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप भी हमारी तरह नेचुरल वर्कआउट के थ्रू अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेग वर्कआउट। तो स्टार्ट हम पहले वार्म अप से कर लेंगे भाई। वार्म अप में हम पहले ही बिना वेट वाला स्क्वाट्स ले लेंगे इस तरीके से, और ये आप लोगों का गर्ल्स हो या बॉयज 10-10 का 3 सेट्स होगा। और इसी में आप लोग इस तरीके से भी एक स्ट्रेचिंग ले लीजिए लेंगे जो लेग लेंथ चेस्ट का रहता है, ये भी आप लोग 10-10 का 3 सेट कर लेंगे। और इसके बाद आप इस तरीके से दस दस का 3 सेट इससे ले लेंगे। अब हम अपना एक्चुअल में वर्कआउट स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा मशीन से होने वाला है। तो मशीन में आप लोगों को लेग एक्सटेंशन से स्टार्ट करना है। तो लेग एक्सटेंशन में पहले आप सब लोग इस तरीके से जितना ज्यादा वेट हो सके उतना वेट लेते हुए 15-15 का 3 सेट परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ आप लोगों का डंबल में होगा, मैं बिना डंबल के आप लोगों को बता दे रहा हूं, फ्रंट स्क्वाट्स डंबल में लेंगे आप, ये लिए और ये आपने बैठे बस हाफ। डंबल अभी है नहीं मेरे पास, बस इस तरीके से आपको हाफ 5-5 का 3 सेट करना है फ्रंट स्क्वाट्स का। पहले आप इसे परफॉर्म करेंगे 15-15 का 3 सेट, फिर ये जो फ्रंट स्क्वाट्स है ये 5-5 का 3 सेट है, बट इसे पहले 3 सेट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप डंबल का फ्रंट स्क्वाट्स कंप्लीट करेंगे। और डंबल में आप लोगों का वेट होना चाहिए सीनियर 15 का डंबल, इंटरमीडिएट 12 का डंबल, जूनियर 10 किलो का डंबल और बिगनर 7.5 का, गर्ल्स 7.5 का। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा वेट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमको बस इस तरीके से परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत स्ट्रेस पड़ने वाला है इसलिए मैं आपको वेट ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट मशीन है, उसे आप अच्छे से देखिएगा, वो है इसी में लेग एक्सटेंशन में हैमस्ट्रिंग के लिए, उसे देखिए कैसे परफॉर्म करना है। दूसरा मशीन आ जाता है जो हैमस्ट्रिंग का, आप सभी को पता है कैसे परफॉर्म करना, फिर भी दिखा देता हूं। इस तरीके से आप ले लेंगे, तो ये भी आप लोगों का 15-15 का 3 सेट होगा। और इसके साथ अब आप लेग लंचेस और हैमस्ट्रिंग परफॉर्म करेंगे, तो आप लोग सब इसे देख लीजिए अच्छे से। प्यार से एकदम पूरा नीचे गए, पूरा ऊपर आए, फिर पूरा नीचे गए, पूरा ऊपर आए, पूरा मसल माइंड कनेक्शन का गेम है भाई, याद रखिएगा। मेरा खुद बिगड़ा तो मैं ये बैलेंस बिगाड़ दिया, फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज करते हुए। ऐसे आप लोग लेग लंचेस लेंगे और तुरंत फिर आप हैमस्ट्रिंग लेंगे। तो यहां लेग लंचेस और हैमस्ट्रिंग आप लोगों का मात्र 5-5 का 3 सेट होने वाला है, मगर इसमें वेट सबको ज्यादा ज्यादा लेना है। जैसे सीनियर आप 25 केजी के डंबल में ही परफॉर्म करेंगे लेग लंचेस और हैमस्ट्रिंग, इंटरमीडिएट 20 केजी के डंबल में परफॉर्म करेंगे, 5-5 का 3 सेट है।
लंचेस हैमस्ट्रिंग, लंचेस हैमस्ट्रिंग, लंचेस हैमस्ट्रिंग, ऐसे करते हुए परफॉर्म करना, तो इजीली हो जाएगा। इंटरमीडिएट के बाद आ जाते हैं हम हमारे जूनियर के सेगमेंट्स में। तो जूनियर आप ये लेग लंचेस को 17 किलो के डंबल में परफॉर्म करेंगे, और जूनियर के बाद आ जाते हैं हम बिगनर की तरफ। तो बिगनर आप 15 केजी के डंबल में, और गर्ल्स आप भी 12 किलो का डंबल यूज करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से लेग को तो इम्प्रूव करेगा ही करेगा, बट आपके फैट्स को भी कट करने का बहुत अच्छा सोर्स है लेग वर्कआउट, क्योंकि एक लेग वर्कआउट है जिसमें आपको वेट अगर सही तरीके से इफेक्ट दिखाने लगा अपना आपके लेग्स में, तो आपके ओवरऑल बॉडी में इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि यार बॉडी अगर ट्रांसफॉर्म होती है ना, जब फैट आता है तो चारों तरफ आते हैं, और फैट बर्न होता है तो वो भी चारों तरफ से होता है। तो इसलिए लेग वर्कआउट्स में थोड़ा भी मिस्टेक मत करना यार, बहुत हेल्पफुल है और बहुत फायदेमंद है आप सबके लिए। इसलिए बोलते हैं स्किप मत किया करो, क्योंकि मैंने भी स्किप किया तब जाके यार अभी इतना मेहनत करके इस लेग को इतना अचीव किया। अगर ये शुरू से रहता तो आज मेरे बाइसेप्स के साइज इतने अच्छे हैं, बट लेग्स के साइज उतने जबरदस्त नहीं है जितने होने चाहिए, अपर बॉडी से लोअर बॉडी डाउन है। इसलिए अब मैं भी इसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही चाहता हूँ कि आप भी अपने लेग्स को अच्छे से ट्रेन करें, लेग के दिन स्किप ना करें। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर देता है यार, सबसे बेहतरीन वर्कआउट है ये, बाकी वर्कआउट्स में इतने अच्छे से नहीं होता है। और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो यकीन मानो आपके पूरे अंदर के हार्मोन्स होते हैं ना, वो सारे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके स्किन, आपके हेयर, प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाएगा, प्रोटीन आप जितना इंटेक कर रहे हैं इजीली आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। इसलिए लेग वर्कआउट को स्किप मत करो, सबसे बेस्ट एंड बेटर वर्कआउट यही है। और ये बात अलग है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना इसी वर्कआउट में लगता है, और सबसे ज़्यादा थकान होती है, और सबसे ज़्यादा दर्द भी होता है, क्योंकि एवरीडे लेग डे होता है, चलना भी तो पड़ता है, और दर्द भी बहुत होता है, साला दर्द के कारण चलते नहीं जमता, बैठते नहीं जमता, इसलिए कई जन स्किप करते हैं। बट यार करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद दर्द होना बंद हो जाता है। इसलिए आप सब बने रहिए वीडियो को एंड तक यार, प्लीज़ वॉच किया करो, और लाइक करना मत भूला करो यार, लाइक करोगे तो यार और ज़्यादा मोटिवेट होंगे ना, तो और अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आऊँगा। तो यहाँ आपका हमारा मशीन और लेग लंचेस हैमस्ट्रिंग कंप्लीट होता है। बट मशीन को पहले पूरा 3 सेट ले लेंगे, उसके बाद ये दोनों को आप एक साथ लेंगे, जैसे मैं बाकी वर्कआउट में देते आ रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम फिर से हमारे मशीन के सेगमेंट्स में, उसे आप देखिए कैसे। अब ये हमारा फिर से आ गया लेग प्रेस मशीन, जिसे आपको कैसे परफॉर्म करना है ये मैं बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है इसमें। मगर आज हमको 3 तरीके के सेगमेंट को यूज करते हुए पूरा परफॉर्म करना है, और 1 by 1 करना है। पहले आप इसे परफॉर्म करेंगे, नीचे नीचे ही रखेंगे, देखिए किस तरीके से ले रहा हूं मैं, ऊपर ऊपर नहीं जाना है। यह नीचे नीचे आपका ये वाला, और जब आप क्लोज पैर करेंगे तो ये आपका ऊपर ऊपर हो जाएगा। क्लोज पैर में ऊपर ऊपर ले लिए, और फिर आप सिंगल पैर, बस बस बस, दोनों पैर से ना, बस बस बस। ये जो 3 मशीन के वेरिएशन है, नॉर्मल, क्लोज और सिंगल पैर, 15-15 के तीनों 3 सेट्स होंगे। बट ये जो तीनों सेट्स है 1 by 1 आप सबको परफॉर्म करना है। पहले वाइड पैर वाला करेंगे 3 सेट 15-15 का, फिर क्लोज पैर करेंगे 15-15 का 3 सेट, फिर सिंगल पैर करेंगे 15-15 का 3 सेट्स। तो अब यहाँ पे वेट अंदाजन मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए सीनियर 100 kg, क्योंकि नीचे नीचे करना है परफॉर्म, इसलिए ज़्यादा वेट नहीं दे रहा हूँ, और सिंगल पैर भी यूज़ करना है, तो 100 kg सीनियर का। इंटरमीडिएट 80 kg, इंटरमीडिएट 80 kg। फिर आ जाते हैं जूनियर की तरफ, तो जूनियर 60 kg, बिगनर 50 kg, 50 किलो, और गर्ल्स आप भी ले लेंगे 50 kg, बट फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज करते हुए परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे जब लेग प्रेस का जो मशीन है, जब आप लोगों का हो जाता है तो लेग प्रेस के मशीन के बाद फिर से हम एक डंबल का सेगमेंट्स करने वाले हैं, उसे आप अच्छे से फिर से देखिए कैसे आप लोगों को परफॉर्म करना है। तो लेग प्रेस मशीन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इस वेरिएशन को करना है, वो भी सिंगल हैंड सिंगल डंबल से ही करना है, और बहुत जबरदस्त इफेक्ट डालेगा ये, बस आप लोग अच्छे से देखिए। मैंने पहले अपने पंजे को यहाँ रख लिया है, और पंजे को रखने के बाद मैं डंबल को इस तरीके से यहाँ पे रखूंगा, एंड अप, पूरा बैठा एंड अप, पूरा बैठा एंड अप,
पूरा बैठा एंड अप, पूरा बैठा, बैठना पूरा है, खड़े पूरा नहीं होना है, बस यहीं तक आना है और बैठ जाना है। पहला ये वाला वेरिएशन। और उसके बाद मैं अपने एड़ियों को ऐसे रखा, पंजे को मैंने बाहर बाहर कर दिए, ठीक है। फिर अच्छे से मैंने अपना बैलेंस बनाया, फिर मैंने यहाँ चेस्ट के पास डंबल रखा और फिर मैं अप 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 आई ला, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट डालेगा ये वर्कआउट आपके लेग्स में, यकीन मानो। पांच पांच का तीन सेट है, ज्यादा नहीं दे रहा हूं और वेट भी ज्यादा नहीं है। यहाँ सीनियर 12 का डंबल, इंटरमीडिएट 10 किलो का डंबल, जूनियर 7.5 का, बिगनर 5, गर्ल्स 5। यहाँ डंबल का है नहीं, यहाँ पे पूरा आपका मसल माइंड कनेक्शन का गेम रहने वाला है और एकदम परफेक्टली आपके लेग्स को ये फुल इफेक्ट देगा। मगर आप लोगों को परफॉर्म सही तरीके से करना है, जैसे मैंने दिखाया वैसे ही करिएगा। इसके बाद रिजल्ट आप खुद ट्रैक करके देखिएगा, इसको करने के बाद कैसा पंप आता है। तो यहाँ हमारा ओवरऑल मशीन एंड डंबल का सेगमेंट्स खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम वेट इंप्रूव करने के लिए। अब जबकि आपको स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, सुमो, ये तीन वेरिएशन के रॉड में वर्कआउट को परफॉर्म करना है, जिसमें मैं अब आप लोगों को वेट और रैप्स बताने वाला हूँ। तो बहुत इजी है रैप्स, वेट ज़्यादा देना है क्योंकि यार इम्प्रूव करने हैं आपको, अगर मसल मास इंक्रीज करना है तो यार वेट को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो लेग वर्कआउट हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे आर्म्स हो। मसल मास तभी इम्प्रूव होंगे जब उसमें स्ट्रेस पड़ेगा, टेंशन डालोगे, तो वो वेट के थ्रू होता है। इसलिए बोला जाता है वेट ट्रेनिंग बहुत अफेक्ट करता है, ओवरऑल डेज में आपकी कैलरीज को बर्न करता रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी किए और इतने कैलरी बर्न हुआ फिर नहीं होने वाला। तो वेट ट्रेनिंग के बाद आपका 2-3 दिन तक कैलरीज बर्न होता है और लेग ट्रेनिंग में तो यार बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो इसलिए स्क्वाट्स कैसे परफॉर्म करेंगे देख लीजिए, डेडलिफ्ट कैसे, सब आपको पता है, फिर भी मैं सारे भाइयों को अच्छे से समझा देता हूँ कैसे लेना है। और सिस्टर आप स्क्वाट्स ले लेंगे, ये आप लोगों का स्क्वाट्स का फॉर्मेट और पोजीशन देख लीजिए, कैसे रखा है मैंने अपने बॉडी को, रॉड्स को कहाँ रखा है। और ये सिट एंड अप, सिट एंड अप, सिट एंड अप, तीन सेट है बस, तीन तीन का तीन सेट होने वाला है स्क्वाट्स में, जिसमें वेट सीनियर का होने वाला है 130 kg, 140 kg, 150 kg। ये मैं एक अनुमान दे रहा हूं, सीनियर 110, 120, 130 भी ले सकते हैं, 30 से पार भी जा सकते हैं, बट बिना सपोर्ट, बिना सेफ्टी प्लीज वेट मत बढ़ाइएगा। नॉर्मल वेट में तीन तीन का तीन सेट ले लीजिएगा, वही इफेक्ट करेगा। बट इम्प्रूव करना है तो बकायदा एक सपोर्टर की जरूरत है, सपोर्ट देगा आपको और आप अपना वेट बढ़ा के इसे परफॉर्म करेंगे। तीन तीन का तीन सेट होने वाला स्क्वाट, सीनियर का मैंने वेट एक अंदाज बताया है, फिर भी आप 120, 130, 140 या 110, 120, 130 सीनियर का वेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का वेट होना चाहिए लगभग लगभग 85, 95, 110 या 80, 90, 100 या 90, 100, 110, कोई भी वेट ले सकते हैं इंटरमीडिएट, सपोर्ट के बिना नहीं परफॉर्म करेंगे। और भाई प्लीज सब लोग सेफ्टी का ध्यान रख के करेंगे। अब यहाँ वेट हो गया इंटरमीडिएट का, जूनियर आपका वेट होने वाला है इसमें 65, 70, नहीं यार बहुत कम हो जाएगा, 70, 75, 80 kg अंदाज है, बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हो अगर आपका सपोर्टर कोई अच्छा है तो, नहीं तो आप एक नॉर्मल वेट में भी परफॉर्म करोगे तो यार रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जो आपका वेट है पीआर, उसी पीआर को आप कर लीजिएगा। बट मैं कोशिश करूंगा मैं अपना भी पीआर क्रैक करूँ और मेरे जिम के भाइयों का भी करूँ, इसलिए आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप भी अपना पीआर क्रैक करो, 2.5-2.5 किलो या 5-5 किलो इम्प्रूव करके इसे करो, तीन तीन के तीन सेट से इजिली परफॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ आपका पीआर क्रैक करना है सबको। तो अब आ जाते हैं हमारे बिगनर्स की तरफ। बिगनर आपका मेरे हिसाब से होना चाहिए 50, 60, 70 किलो या 45, 50, 55, कोई भी वेट आप ले लीजिए, बट आपका जो पीआर है पीआर से आपको बढ़ाना है 2.5-2.5 किलो, 2.5-2.5 बढ़ाए फिर 5-5 लगा के बढ़ाए, क्योंकि तीन तीन का तीन ही सेट्स है। गर्ल्स आप भी कोशिश करिए बढ़ाने की सपोर्ट के साथ, आप 40 kg, 45 kg, 50 kg या उससे ऊपर भी जा सकते हैं, 45, 55, 60
जितना आप लेना चाहें। अगर आपका सपोर्टर अच्छा है तो आप अच्छा वेट इसमें ले सकते हैं। और हाँ, ये अगर अच्छे से आप ज्यादा वेट में परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि स्क्वाट सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम डेड लिफ्ट की तरफ। तो डेड लिफ्ट आप लोगों को कैसे परफॉर्म करना है वो भी सिखा दे रहा हूँ। तो डेड लिफ्ट हमारा सिंपल, भैया देखो मैं नीचे से उठाने का भी तरीका दिखा दे रहा हूँ। प्लेट व्लेट लगानी है, मैं रॉड्स के लाइन में अपने पैर को रखूंगा, बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखूंगा और मैं ये इस तरीके से बैठूंगा और ये मैंने पकड़ा और अप, ये हम ऐसे आए एंड अप, ये हम ऐसे आए एंड अप, ये हमारा डेड लिफ्ट हो गया। तो डेड लिफ्ट में भी जिसका जो पीआर है वो पीआर से ऊपर करते जाएगा, 2.5 किलो करके इंक्रीज करिए। फिर भी एक अंदाज सीनियर का 130, 140, 150 या 140, 150, 160 डेड लिफ्ट में सीनियर का, इंटरमीडिएट का 110, 120, 130 इंटरमीडिएट, जूनियर आपका हो जाएगा 90, 100, 110, क्योंकि डेड लिफ्ट में वेट इजीली पड़ जाता है बढ़ाने से, बट स्क्वाट्स में मुश्किल है। बट हाँ भैया, यमराज का दूसरा नाम डेड लिफ्ट है। अगर सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हो और बिना सपोर्ट्स के करते हो, बिना सेफ्टी के करते हो, तो वाक्य में यमराज दिखा सकता है ये, क्योंकि जिंदगी भर आपकी लाइफ को डैमेज कर सकता है ये वर्कआउट। इसलिए जो भी वेट इंक्रीज करेगा सपोर्टर के साथ करेगा, नहीं तो नॉर्मल वेट जो आप पीआर लेते हैं डेडलिफ्ट स्क्वाट्स में वो भी लेके अपना वर्कआउट कर सकते हैं, ईगो की कोई बात नहीं है। बट मैं आप लोगों को अपने हर वीडियो के लेवल में इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वेट इंक्रीज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल वेट में भी करोगे तो वही इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम हमारे जूनियर की तरफ। तो जूनियर आपका वेट होने वाला है 80, 85, 90 kg। फिर बिगनर का आ जाएगा 70, 75, 80 kg, या मान के चलिए 60, 65, 70 kg। कम ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से करिए, क्योंकि यहाँ मैं किसी का जानता नहीं हूँ कौन कितना पीआर लेता है। बट पीआर को हमको क्रैक करना है तो मैं कैसे करूँगा अपना पीआर क्रैक? मेरा है 180, 190 का डेड लिफ्ट, 2.5 किलो लगाऊंगा, हल्का सा सपोर्ट लूंगा, फिर मारूंगा 3 बार, फिर रख दूंगा, फिर 2.5 को निकाल के 5 लगाऊंगा। तो इम्प्रूव करना चाहिए हमको, अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा हमारा पावर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, हमारा स्ट्रेंथ लेवल ग्रो हो रहा है कि नहीं, हमारे मसल मास इंप्रूव हो रहे कि नहीं, क्योंकि ये तो बॉडी हमारी है तो रिजल्ट भी हमारा होगा ना, तो मेहनत भी हमको ऐसे डट के करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने मेहनत को अपने आप करें और अपना रिजल्ट खुद चेक करें कि आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ डेड लिफ्ट का हो गया हमारा बिगनर की तरफ। और गर्ल्स आप ले लेंगे 40, 50, 60 kg, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, आज आप लोगों को वेट बढ़ा रहा हूँ, वही डेड लिफ्ट आप कर सकते हैं, बट सपोर्ट होना चाहिए आपके साथ तभी, नहीं तो आप अपने पीआर को ही परफॉर्म कर लीजिएगा 3-3 का 3 सेट। डेड लिफ्ट के बाद आ जाते हैं हम हमारे सुमो की तरफ। तो सुमो भी यार अब मैं नीचे रख के नहीं बता पाऊंगा भाई, कोई है नहीं बनाने वाला वीडियो, मैं ही बना रहा हूं अकेले। तो ये हमारा सुमो का फॉर्म इस तरीके से होता है, ये। तो ये भी आप लोगों का 3-3 का 3 सेट होगा। तो कुछ लोगों का डेडलिफ्ट ज्यादा है तो डेडलिफ्ट का वेट ज्यादा ले पाते, सुमो का नहीं ले पाते तो भैया वो कम ले लेंगे। बट अगर हाँ सुमो का भी वेट ज्यादा है तो डेडलिफ्ट के जितना ही इसमें भी आपको वेट लेना है और 3-3 का 3 सेट्स है। तो वेट इंप्रूव करने के लिए अपना आप पीआर को क्रैक करने की कोशिश करिए वेट बढ़ा बढ़ा के। और यहीं पे हमारा ओवरऑल लेग का वर्कआउट कंप्लीट होता है। मैं सुमो में वेट बता नहीं रहा हूँ, आप अंदाज से ले लीजिएगा, स्क्वाट डेडलिफ्ट में बताया अंदाज आप लोगों को, क्योंकि यहाँ किसी का पीआर मुझे तो भी नहीं पता ना, मेरे जिम में जैसे है तो मैं उनका बता सकता हूँ बट आप लोगों का नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसमें कोई एकदम हाई फाई वेट नहीं दे रहा हूँ। जिसका जो पीआर है उसे वो क्रैक करे। और हाँ, अपना मेडिकल कंडीशन हमेशा हर 3 महीने में चेक करा लिया करो कि यार हार्ट रेट सही है कि नहीं, बीपी है कि नहीं, शुगर नहीं तो बढ़ रहा कहीं, कि देखो यार इंटरनल ऑर्गन्स अगर हमारे हेल्दी होंगे ना तभी हमारे आउटर ऑर्गन्स अपना रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि इंटरनली अगर आप हेल्दी नहीं हो तो यार आउटर आप कितना भी अच्छा वर्कआउट करो रिजल्ट नहीं है। इसलिए इंटरनल और आउटर आप लोगों को खुद से अपने आप को फिट रखना है। तो इसलिए आप लोग अपना चेकअप कराइए, बाकायदा अपने बारे में जानिए कि आपको किस डाइट से कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। वैसे तो नॉर्मल डाइट से भी आ जाना चाहिए यार, इतना ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल्स दे रहा हूँ, करोगे यार अपने आप मसल्स मास इंप्रूव होना स्टार्ट कर देगी नेचुरली, करके देखो।
और उसके बाद आप बोलिएगा, अगर नहीं होता है तो बकायदा यार इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी तो यार लिंक दिया रहता है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लिया करो, वहां भी आके मुझे फॉलो कर लिया करो भाई, वहां भी आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगा अगर आप लोगों को लगता है तो कुछ डाउट है तो। बट आप लोगों के सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्ट मी, बाय, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।